चलिए ट्रेन क्लास टू क्वेश्चन नंबर 15। दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां एक खंभे को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड का समय लेती है। यदि प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर हो तो बताइए प्रत्येक विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। यहां पर एक खंभा है जिसको ये ट्रेन पार कर जाती है, विपरीत दिशा बाद में बोला उसके लिए हम पहले ही लगा दिए। दो समान लंबाई की रेलगाड़ी है और ये इसको पार कर जाती है 10 सेकंड्स में और ये इसको पार कर जाती है 15 सेकंड्स में। प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर भी दिया हुआ है, ये आपका सेकंड्स है। ऐसे आपसे कुछ सुना कि ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी विपरीत दिशा में। मुझे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करेगी तो इसका अर्थ है कि दोनों का चाल ऐड होगा और दोनों की लंबाई तो ऑलवेज ऐड होना चाहिए कोई भी दिशा। तो आपके पास स्टेप है, यहां पर देखिए 120 प्लस 120 ये दूरी है और इसी को पार करने में यहां पर आपको चाल को जोड़ना पड़ेगा तो प्लस होगा दोनों का चाल, लेकिन चाल अभी क्लियर नहीं है वो निकालना पड़ेगा। जब 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी इस खंभे को पार करती है 10 सेकंड में तो अगर 120 और बट्टा 10 को कैंसिल करें तो यह 12 मीटर पर सेकेंड इस ट्रेन की चाल है, जो 12 यहां लिख दीजिए अब। और जब यहां से 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी इस खंभे को 15 सेकंड में पार करती है तो 120 को 15 से भाग लगा देंगे 8 मीटर पर सेकंड इस ट्रेन की चाल है, जो यहां लगा दिए। आज आपका 240 और 20 है तो यहां 12 बन जाएगा और यही 12 सेकंड्स जो है आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर 12 सेकंड ऑप्शन सी में, ठीक है। तो चलिए उतार लीजिए जल्दी से, इसलिए ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा उसके लिए इसी रास्ते को अडॉप्ट करेंगे। और आपको बार बार बोला जा रहा है कि दो ट्रेन एक दूसरे को किसी भी दिशा में पार करे लंबाई ऑलवेज ऐड होगा, लेकिन दो ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करे तभी चाल ऐड करिएगा और समान दिशा में पार करे तो चाल को माइनस करिएगा। तो चलिए 15 नंबर के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 150 मीटर लंबाई वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 15 सेकंड और दूसरी दिशा से आ रही रेलगाड़ी को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। तो बोले 150 मीटर लंबाई वाली एक रेलगाड़ी, 150 मीटर लंबाई वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 15 सेकंड, या खंभा है इसको पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है और दूसरी दिशा से आ रही रेलगाड़ी को पार करने में 12 सेकंड, मीनिंग है एक ट्रेन ऐसे आ रही है और इसको पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। यदि दोनों रेलगाड़ी की समान लंबाई हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी, मीनिंग है यहां पर भी दूसरी रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है। अब यहां से फिल करिए, जब ये 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी इस खंभे को पार की 15 सेकंड में तो अगर आप 150 को 15 से भाग लगा देंगे तो आपका 10 मीटर पर सेकंड इस ट्रेन की चाल है। और अब यहां से फिल करिए कि 150 मीटर और प्लस में 150 मीटर इसी 300 मीटर को पार, यहां पर आप एक्स मान के भी बना सकते हैं, हम एक्स नहीं मान रहे, ठीक है। ये ट्रेन इस ट्रेन को जब पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ उसी लंबाई को पार करेगी और समय लगा 12 सेकंड, तो ये 300 और 12 है, यहां से 25 बार में कट जाएगा तो ये 25 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकल रहा है तो रिलेटिव स्पीड निकल रहा है इन दोनों का, डायरेक्शन देख लीजिए एक्स प्लस वाई बराबर में ये है जिसमें एक्स 10 है तो वाई निकल जाएगा, जब इसको इसमें माइनस कर देंगे ये टी वन माइनस जैसे करेंगे तो 15 मीटर पर सेकेंड टी टू। ये आपके प्रश्न का उत्तर है, लेकिन उत्तर हो सकता है किलोमीटर बराबर में दिया होगा तो हम चेंज कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 और उत्तर किलोमीटर बराबर में है। तो बोले 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बराबर में बदलने के लिए 18 बट्टा 5 से गुणा करेंगे तो ये 54 किलोमीटर बराबर जो निकला यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया, ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो चलिए आप एक्स मानिए तो भी बनेगा, नहीं मानिए तो भी बनेगा। दो ट्रेन एक दूसरे को किसी भी दिशा में पार करे लंबाई ऑलवेज ऐड करना पड़ता है, लेकिन दो ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करे तभी चाल ऐड होगा, सेम दिशा में पार करे तो चाल को माइनस करना पड़ेगा। 17 नंबर, दो रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। दो रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है, बोलिए ये दो रेलगाड़ी है एक समान चाल से चल रही है और एक समान चाल, दोनों का चाल सेम है, एक समान चाल से चल रही है विपरीत दिशा में पार करने में एक दूसरे को 12 सेकंड का समय लेती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर में ज्ञात करें, जबकि प्रत्येक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी है, चलिए 120 मीटर लंबी, 120 मीटर लंबी और यहां से आपको बोल रहा है सेम स्पीड है,
अगर हम आपको एक्स मान के दिखा दे पहले एक्स मीटर पर सेकंड, बोले वो रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी को पार करेगी तो लंबाई तो ऐड होगा, कोई भी दिशा हो चाल विपरीत है इसलिए ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो यही मीटर पर सेकंड से ये सेकंड में निकला और क्वेश्चन यहाँ पर 12 सेकंड का समय दिया हुआ है, तो इसी को आपको सॉल्व करके एक्स निकाल लेना है। 2x है तो यहाँ से 12 × 2 = 24 होगा, 240 तो 10 निकल गया, इसीलिए एक्स क्या निकला 10, जो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, किलोमीटर पर आवर में बताना, ये तो मीटर पर सेकंड में निकला है, इसी को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर 18/5, तो आपके प्रश्न का उत्तर 36 किलोमीटर पर आवर हो गया, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए एक्स नहीं भी माने तो कोई दिक्कत नहीं है, तब कैसे बन जाता उसको फिल करिए। ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ उसकी लंबाई पार करेगी, तो पूरे 240 को पार करने में 12 सेकंड का समय लगा है, तो यहां पर आपको जो है 20 मीटर पर सेकंड हो गया। और 20 मीटर पर सेकंड इन दोनों का रिलेटिव है, मैंने दोनों का प्लस करके, इसलिए इस 20 को जो है दोनों का चाल सेम था तो भाग लगा दिए, तो ये फिर 10 मीटर पर सेकेंड। और इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से आप गुना करेंगे तो ये 36 किलोमीटर पर आवर आपका आ चुका है। ठीक है, तो चलिए एक्स मान के भी बनाकर दिखा दिए, बिना मान कर भी, तो इसीलिए आपको बिना माने बनाने का प्रयास करना चाहिए। 17 नंबर के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्या कहता है देखिए, बोला समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 और 36 के चाल से जा रही है। बोले समान लंबाई की रेलगाड़ी बट चाल अलग अलग है, 46 है और 36 है, लेकिन दोनों का लेंथ बिल्कुल सेम दिया है। तेज चाल से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर, मतलब ये इसको पार कर जाती है 36 सेकंड्स में। अब आपसे बोला है कि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, तो बोले यहां एक्स एक्स मान लीजिए दोनों का लंबाई सेम है, तो एक्स एक्स मान के भी बन जाएगा, जो हम आपको दिखा देते हैं इक्वेशन, एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, दो रेलगाड़ी एक दूसरे को किसी भी दिशा में पार करे लंबाई तो जोड़ना है। यहां चाल माइनस होगा 46 - 36 गुना में 5/18 और यही इक्वल्स टू में 36, आप इसको सॉल्व करके एक्स का मान निकाल लीजिए, उत्तर हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 46 - 36 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं ऐसे, और इसी में 36 से गुना कर देते हैं, ये क्या आता है उसको फिल करिए। 18 से 2 10 हो गया और यहां से आपको जो है 10, तो ये 100 मीटर निकला। बोले 100 मीटर में इन दोनों का लेंथ एडेड है और दोनों लेंथ इक्वल है तो आधा कर देते हैं, इसीलिए 100 का आधा करेंगे तो 50 मीटर जो निकलेगा यही आपके दोनों ट्रेन में से प्रत्येक की लंबाई है, 50 मीटर इच हो गया। ठीक है, चलिए 19 नंबर को पढ़ लीजिए पहले, 19 क्या कहता है पढ़िए अपने से। 19 नंबर, दो रेलगाड़ियां जो क्रमशः 150 मीटर और 120 मीटर लंबी है विपरीत दिशा से आते हुए एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है। बोले 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करने में समय कितना लेती है, तो 10 सेकंड बोला है, 10 सेकंड। उसके बाद क्वेश्चन बोला है कि यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल 43.2 किलोमीटर पर आवर, तो पहली की चाल कितनी, 43.2 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी चाल ये पूछा है। बोले यहां एक्स किलोमीटर पर आवर मान के इक्वेशन बना लीजिए, ज्यादा बेटर होगा, तो हम 150 में 100 जोड़ेंगे और फिर इसी में यहां पर अगर एक्स माना जाए, एक्स प्लस 43.2 और इसी में कन्वर्सन करना पड़ेगा 5/18 का, और यही बराबर में आप यहां पर 10 सेकंड्स लेंगे, सॉल्व करिए उत्तर आ जाएगा। लेकिन ये तो कंसेप्ट है, अगर आप एक्स नहीं मानना चाहे तो क्या करना पड़ेगा उसको फिल करिए। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जब 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करेगी तो 250 मीटर पार करना पड़ेगा, उसी में 10 सेकंड का समय लगा, इसको कन्वर्ट कर दिए किलोमीटर पर आवर में, तो बोले वो 250 है, 50 है, 5/18 = 90 हो गया। आज 90 किलोमीटर पर आवर क्या है शब्द में, तो रिलेटिव स्पीड है, किसका, इस दो विपरीत चाल का, इसलिए दोनों चाल जोड़ करके 90 आना चाहिए, जिसमें एक 43.2 है, तो 43.2 जो है ये आप घटा देते हैं, तो जैसे घटाएंगे तो फिर आपका निकल जाएगा 46.8 किलोमीटर पर आवर, देख लेते हैं, और यही T1 का स्पीड है, 8 2 10 6 3 9 1 10 4 4 8 1 9, बिल्कुल सही है, तो मिला लीजिए उत्तर, ये क्वेश्चन नंबर 19, 46.8 किलोमीटर पर आवर। चलिए 19 में कुछ वेरिएशन आया है, देख लेते हैं एक बार फिर से, कैलकुलेशन के बल देख लेना। दो रेलगाड़ी जो क्रमशः 150 मीटर और 120 मीटर लंबी है, अच्छा यहाँ हम 100 ले लिए थे, क्वेश्चन 120 बोला, तो चलिए 100 होगा तो ये उत्तर आएगा, 120 बोला तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 120 ले लेते हैं, तो हमारा इस जगह पर थोड़ा चेंज हो जाएगा, और वो चेंज होने के बाद क्या आता है उसको देख लेते हैं। चलिए आज यहाँ से 50 है, वो 270 है, तो 50 में से आपका जो है
ये 270 तो जीरो तो कट गया, 27 बचेगा और यहाँ पर 3.6 ऐसा देख लेते हैं, 7 6 42 हो गया, 6 2 12 4 16 और यहाँ से आपका 21 तो 37, 3 2 6 3 9 ये शायद 97.2 देख लेते हैं जो भी होगा। अब ये जीरो हो गया, 7 में से 3 4 और ऐसा मैंने कहा आपका 54 किलोमीटर पर आवर जो है ये स्पीड निकला। तो चलिए 54 किलोमीटर पर आवर तो बिल्कुल सही उत्तर आ चुका है, यही 54 है, ऑप्शन ए में सही है। तो बोले वहां पर 120 क्वेश्चन दिया था, हम लोग 100 पर बनाए थे, कोई दिक्कत नहीं है, 120 में यही उत्तर आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को लेकर के, 20। तो बोले पूरे चैप्टर में ये तो देख रहे हैं ना कि क्वेश्चन चाहे जैसे भी बात आपसे करे तो थीम ऑलमोस्ट उतना ही है, 2-3 पॉइंट्स मेनली आपको याद रखना है और उसी को अप्लाई करना है। 125 मीटर प्रत्येक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही है। बोले विपरीत दिशा का अर्थ ऐसा होता है, ये भी 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी और ये भी 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी। पहली रेलगाड़ी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और एक दूसरे को पार करने में उन्हें 6 सेकंड का समय लेता है ऐसे, तो इसकी चाल कितनी है? बोलिए आज इसको y किलोमीटर बराबर मान लीजिए, x किलोमीटर बराबर मान लीजिए, तो इक्वेशन बन जाएगा, उससे बन जाएगा, लेकिन उसका कोई काम नहीं है। हम यहां से सीधे फील करते हैं कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करेगी तो 250 मीटर को पार करना पड़ेगा और उसी में आज यहां पर आपका जो 6 सेकंड लगा है और यहां पर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बराबर में बदल देते हैं, ये रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा। 6 से 3 बार में 50 150 आ गया परहैप्स, तो 150 क्या निकला किलोमीटर पर आवर, ये रिलेटिव स्पीड है। अब फिल करिए कि इन दोनों चालों का योगफल 150 है, जिसमें एक आपको 65 दिख रहा है T1 का, तो T2 का अब निकल जाएगा, तो यहां से आप घटा देते हैं तो 85 किलोमीटर पर आवर जो निकला यही आपको ट्रेन 2 की चाल है और ये आप यहां से मिला, ये ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम एक्स का भी कंसेप्ट बहुत बार दे चुके हैं, यहां भी आप अपने से देख लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स पर भी बनता है और विदाउट एक्स भी बनता है। 21 नंबर क्या कहता देखिए, 125 हाँ 21 नंबर, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर 95 मीटर है समान दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में 27 सेकंड का समय लेती है। 100 मीटर 95 मीटर और समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में 27 सेकंड्स का समय लेती है, परंतु जब विपरीत दिशा में चले तो 9 ही सेकंड्स लगता है। अब बोले इसी का ये विपरीत हो जाता है तो यहां पर आपको 9 सेकंड दिया, ये दोनों सेम है 95 मीटर और 100 केस दो दिखा रहा है। बोले यहां पर अगर x मीटर पर सेकंड इसको मान लिया जाए, इसको आपको y मीटर पर सेकंड मान लिया जाए, तो यहां पर दो इक्वेशन बन जाता है, ये है ना, और ये भी आपका x मीटर पर सेकंड है और ये आपको y मीटर पर सेकंड। इक्वेशन क्या बनेगा कि ये आज एक इक्वेशन ये बन रहा है, 195 लिख देते हैं जोड़ करके, लंबाई तो ऑलवेज ऐड होगा और ये आपका विपरीत है तो x माइनस सेम है तो x माइनस y होगा और मीटर पर सेकंड ही रखें तो कन्वर्सन भी नहीं करना पड़ेगा और यही बराबर में 27 है, है ना। अब ये लंबाई केवल एक बार मिला लेते हैं, 100 मीटर और 95 और यहां जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर 195 होगा, ठीक है, लेकिन इस जगह पर x प्लस y होगा और ये बराबर में 9 सेकंड्स होगा। अब इसी को आपको सॉल्व करना है तो यहां से क्या कंसेप्ट बन रहा है उसको देख लीजिए, x माइनस y का मान 195 और बट्टा में 27 और यहां से x प्लस y का मान 195 और बट्टा में 9, ठीक है ऐसा। अब इसी को आप जब सॉल्व करेंगे तो 2x होगा, y तो कट जाएगा ये वाला, और 2x का मान जो निकलेगा 195 कॉमन ले लेते हैं, 1/27 प्लस में 1/9 और यहां से 2x बराबर में 195 और यहां से 27 होगा 1/4 ऐसा, इसी को सॉल्व कर लीजिए, x का मान निकल जाएगा 3 से तो कटेगा 9 बार में, 3 से कटेगा आपका 65 बार में और यहां 2 से 2 बार में, ठीक है, तो 130 बट्टा में 9, लेकिन यहां पर क्या है ये तो हम मीटर पर सेकंड में निकाल रहे हैं, ठीक है, क्या बन जा रहा है 130 और बट्टा में 9 मीटर पर सेकंड, लेकिन x का मान निकालेंगे तो 130 बट्टा में 9 और गुना में 18/5 जब ले लेते हैं तो यहां से कैलकुलेट करिए 9 से 2 और 5 से यहां पर आपका कितना 26 बार में, तो 26 और यहां से 9 से 2 तो 26 दुना 52, एक तो 52 किलोमीटर पर आवर आपका आ रहा है और जब ये 52 आ गया है x का मान तो फिर y का निकालेंगे, तो ये इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, लेकिन बिना x y माने हुए आपका इक्वेशन तो बन ही रहा है, आप इक्वेशन से भी इसको डील कर सकते हैं, तो ये उतार लीजिए जल्दी से और अगर y निकालना चाहेंगे तो y तो आप 26 किलोमीटर पर आवर आपका आ रहा है,
ये आप यहाँ से बैठा करके निकालेंगे किसी एक इक्वेशन में, है ना, उस जगह पर, वहाँ पर या इस जगह पर, तो ये वाई भी निकल जाएगा जो 26 किलोमीटर पर बराबर आएगा। तो ये इक्वेशन पर आधारित है, मीनिंग है एक इक्वेशन क्वेश्चन के अनुसार ये बना है और दूसरा इक्वेशन क्वेश्चन के अनुसार ये बना है। तो चलिए जल्दी से बता लीजिए, तो जैसा बोलेगा सिचुएशन उसी के हिसाब से आप यहाँ पर डील करते हैं। और यहाँ पर 195 ये कॉमन चीज़ है, दोनों में लंबाई सेम है, वो ऐड ही होगा। चलिए 21 के बाद आइए 22 नंबर पर, 22 क्या कहता है, 22 नंबर, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पत्थर से 30 सेकंड में गुजर, बोले 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पत्थर से गुजर जाती है 30 सेकंड में, मीनिंग है पत्थर को पार कर जाती है 30 सेकंड में, और विपरीत दिशा से आने वाली उतनी ही लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी 10 सेकंड में गुजरती है, मीनिंग है यहां पर एक रेलगाड़ी और है उतनी ही लंबाई की, तो इसको पार करने में यहां पर 10 सेकंड लगता है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है किलोमीटर पर आवर, बोलिए आज यहां फील करिए कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जब इस पत्थर को पार की तो अपनी लंबाई पार की 30 सेकंड में, तो 150/30 कर दिया जाए तो 5 मीटर पर सेकंड इस ट्रेन की चाल है। आज फिर 150 और यहां भी 150 फील करिए, 150 और फिर 150, ये एक दूसरे को पार करेंगे तो 300 मीटर पार करना पड़ेगा, और जिसमें 10 सेकंड का समय लगा तो यहां पर 30 मीटर पर सेकंड हो गया। ये रिलेटिव स्पीड है, तो यहां विपरीत दिशा है इसलिए दोनों जोड़ करके 30 है, तो एक का 5 है, तो 5 हम इसमें से माइनस करते हैं तो ये 25 मीटर पर सेकंड आ गया। लेकिन क्वेश्चन जो है आपको उत्तर दिया है किलोमीटर पर आवर में, बोले मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18 ऊपर होगा और 5 नीचे होगा, तो यहां पर उत्तर 90 किलोमीटर पर आवर आ गया, ऑप्शन ए में दिख रहा है। चलिए अब आते हैं 23 पर, 23 क्या कहता है, सी, दो रेलगाड़ी एक समान दिशा में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक का 58 है और एक का 30 है, ठीक है। धीमी रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति को तेज चलने वाली रेलगाड़ी पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। अब देखिए आज इसको टिक लगा दीजिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछा भी है इस तरह का क्वेश्चन, और आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या है, दो रेलगाड़ी दिया, लेकिन देखिए इस रेलगाड़ी में बैठे हुए एक आदमी को, ये जो आदमी बैठा है ना, इस आदमी को ये ट्रेन पार करती है 30 सेकंड में, इस पूरी ट्रेन को नहीं पार किया, ये ध्यान से सुनेंगे। अगर इस ट्रेन को पार करती तो इसकी लंबाई ऐड करती है, लेकिन बोले ये ट्रेन इस ट्रेन में बैठे आदमी को पार की है, इसका अर्थ है कि ट्रेन अपनी लंबाई को पार की है 30 सेकंड में, बोले 58 5 बाय 18 और गुणा में 30, 30 सेकंड होगा शायद ऐसा, ठीक है ये 30 सेकंड है, तेज गति की लंबाई पूछा आपको, ठीक है। तो यहां से पहले इसको कैलकुलेट करते हैं क्या निकल रहा है, ठीक है, तो इसको आप यहां से छोटा करिए, 6 से 3 बार में, 6 से 5 बार में, तो आपको जो है इस जगह पर 23 है ना, ऑप्शन डी 140 क्या बोल रहा है, देखिए 30 और 58 और स्पीड दिया है 58, चलिए 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, सॉरी ऐसे, और समय कितना लगा 18 सेकेंड, चलिए 18 सेकेंड ऐसा है। तो अब देखिए यहां पर 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रहे रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को पार की, बोले चाल तो दो दो काम कर रहा है, इसलिए दिशा के अनुसार प्लस माइनस सोच समझ कर दिए, 5/18 से गुणा भी कर दिए, ये रिलेटिव स्पीड है, और इसी में 18 से गुणा कर देते हैं तो आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, और यहां से 28.5 140 मीटर जो इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो बस ये टिक लगा दीजिए और ध्यान दीजिएगा कि जब आपको ट्रेन किसी ट्रेन में बैठे आदमी को पार की है तो वो ट्रेन उस ट्रेन को पार नहीं करती है, उस ट्रेन के आदमी को पार करती है, इसलिए वो कंसेप्ट आप लगाएंगे। 23 के बाद आते हैं 24 पर, बोला कि दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही है, उनकी चाल क्रमशः 45 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक की चाल 45 किलोमीटर पर आवर, एक की चाल 40 किलोमीटर पर आवर, यह आपको दिया सेम डायरेक्शन है, और फिर क्वेश्चन बोलता है 45 मिनट के बाद उसके बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये आपको ऐसा बोल रहा है, ठीक है, ये 40 किलोमीटर पर आवर ऐसे, बोले यहीं पर आपको जो है ना इस प्रकार से दो ट्रेन है, तो बोला कि दो रेलगाड़ी समानांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही है, चाल क्रम से ऐसा है, और आपसे बोल रहा है कि 45 मिनट के बाद उसके बीच की दूरी, बोले डिस्टेंस का अर्थ क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, एक समय पर दो दो चाल काम कर रहा है तो आपको रिलेटिव लगेगा, दिशा सेम है तो यहां पर आपको माइनस करना पड़ेगा, कन्वर्सन भी करना पड़ेगा, कर दिए, और गुणा में समय, तो समय कितना दे रहा क्वेश्चन 45 मिनट, बोले ये मीटर प्रति सेकंड है,
तो 45 मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो आपको एक मिनट का अर्थ 60 सेकंड होता है, 45 मिनट का अर्थ 45 गुना 60। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। ये तो पांच है, ये पांच, बोले 9 से 2 बार में, 9 से 5 बार में, 2 से 30 बार में, 5 5 और 5 125 और गुना में 30, कुछ ऐसा दिख रहा है, तो 125 और ये 30 हो जा रहा ना, एक बार फिर से मिला लीजिए, हाँ सही है, तो 3750 मीटर। अब इसको चेंज करेंगे तो 3 किलोमीटर और 750 मीटर, यही आपके प्रश्न का उत्तर, 3 किलोमीटर 750 मीटर। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न, बोलने का तरीका केवल बदल रहा है। 24 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, 25 फिल करिए, 25 क्या कहता है। दो रेलगाड़ी के चालों में 6:5 का अनुपात है, उसकी लंबाई का अनुपात 5:3 है। बोले दो रेलगाड़ी लंबाई आपको 5:3 और चाल जो है 6:5, लंबाई यहां लिख देते हैं 5:3 में और चाल जो है 6:5 में। एक खंभे को पार करने में उनके द्वारा लगने वाले समय का अनुपात क्या है, यहां पर एक खंभा रहेगा, ठीक है, ये चाल का रेशियो, यहां खंभा है और पार करने में क्या समय लगता है। बोले आज इसी को हकीकत मानिए ना, ये लंबाई है 5:3 के रेशियो में था, ठीक है, हम 5 मीटर और 3 मीटर मान लिए, 5:3 का रेशियो था, अब लिखते हैं 5 मीटर और 3 मीटर, और यहां मीटर पर सेकंड और यहां भी मीटर पर सेकंड, वो रेशियो था, हम उसी को एग्जैक्ट डिस्टेंस भी मानते हैं और एग्जैक्ट चाल भी मानते हैं। बोले आज यहां पर इसका क्या है, ये इसको पार करेगी तो अपनी लंबाई पार करेगी, तो 5/6 मीटर पर सेकंड इसकी चाल और 3/5 मीटर पर सेकंड इसकी चाल, और आपसे यही बोल रहा है इस जगह पर क्या, एक खंभे को पार करने में लिए गए उनके समय का अनुपात क्या होगा। तो बोले आज यहां पर 5, यही तो समय है ना, 5/7, तो यही समय का अनुपात है, इसको आप सही करिए। याद होगा कि जब आप बट्टा का रेशियो देखते हैं तो उसको प्लेन रेशियो में बदलते हैं, उसके लिए इन दोनों का एलसीएम 30, तो यहां पर 30 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और यहां भी 30 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोले यहां से 6 से 5 बार में कट जाता है, 5 से 6 बार में कट जाता है, और यहां पर 25:18 दिखता है, जो आपके प्रश्न का फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन सी में दिख रहा है। चलिए 25 के बाद आ जाइए 26 नंबर पर, 26 बोला कि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की बिना रुके नॉन स्टॉप और यहां पर विथ स्टॉपेज, विथ स्टॉप, ठीक है, तो बोल रहा है कि नॉन स्टॉप एवरेज स्पीड दिया है 90 का और विथ स्टॉपेज दिया है 72 का, और तब बोल रहा है क्वेश्चन की बताइए कि रेलगाड़ी प्रति घंटा कितना देर रुकती है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको दो तरीके से आप डील कर सकते हैं, यू मे गो थ्रू द बेसिक वे, यू मे गो थ्रू द ट्रिकी अप्रोच। तो बेसिक वे क्या कहता है उसको देखिए, हम डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हैं, 100, 10, 20, 50, एक्स वाई जेड, लेकिन मानेंगे इन दोनों का एलसीएम के बराबर, तो बोले एलसीएम 360 किलोमीटर ले लेते हैं, यही डिस्टेंस हो गया। आज यहां पर फिल करिए, 360 को 90 से भाग लगा देंगे तो 4 घंटा और 360 को इससे भाग लगाएंगे तो 5 घंटा, इसका अर्थ क्या है, ये हम आपको यहां पर लिख दिए हैं, जिनको दिक्कत हो आप ऐसे लिख लिया करिएगा, ऐसे ये 4 आवर्स हो गया और यहां पर 360 को 72 से तो 5 आवर्स हो गया। इसका अर्थ क्या है कि ट्रेन जब सिर्फ चले, मीनिंग है सिर्फ अपना काम करे, 4 घंटा लगता है काम करने में, अब ले काम प्लस आराम तो 5 घंटा लगता है, तो इसका अर्थ तो स्पष्ट है ना, यहां पर देखिए कि इस 5 घंटे में 1 घंटा आराम है, तो 1 घंटे में 1/5 घंटा आराम, यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है, ये कि 1 घंटे में कितना देर रुकती है, तो 1/5 घंटा रुकती है, और इसी को आप 60 से गुना करिए तो 12 मिनट हो गया, जो आपके प्रश्न का उत्तर होगा, ऑप्शन ए में दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन देखिए हम ऐसे प्रश्नों के लिए आपको ट्रिक दे रहे हैं जिसमें कोई एलसीएम वगैरह लेकर के डिस्टेंस वगैरह मान के बेसिक में नहीं जाना है, आप डायरेक्ट कैसे सोचेंगे, देखिए जब भी रेस्ट पर आवर पूछता है तो आप दोनों चालों का अंतर ले लेंगे, बस याद कर लीजिए कि एक है विथ स्टॉपेज स्पीड, एक है नॉन स्टॉप स्पीड, तो दोनों चालों का अंतर और बट्टा में नॉन स्टॉप स्पीड या बड़ा स्पीड, आप जिस भाषा में भी याद रखें बड़ा स्पीड, तो यही जो है ना रेस्ट पर आवर हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है पढ़िए, 18 1/5 ये आवर में उत्तर है रेस्ट पर आवर, लेकिन इसी को 60 से गुना करके मिनट में बदलेंगे तो 12 मिनट हो गया, ठीक है, तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया कि दोनों चालों का अंतर ले लेंगे और बट्टा में बड़ा स्पीड रख देंगे, बड़ा स्पीड जो है वही रखना है जिसको नॉन स्टॉप एवरेज स्पीड बोला जा रहा है, तो आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27, इसको भी टिक लगा लीजिए,
फ्रीक्वेंटली नहीं पूछेगा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेम डिजिट के लिए। दो रेलगाड़ियां ए तथा बी स्टेशन एक्स तथा वाई से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती है। स्टेशन एक्स है और स्टेशन वाई है, इधर से ए चलना प्रारंभ करती है और इधर से बी चलना प्रारंभ करती है एक ही समय पर। बीच में कहीं पर क्रॉसिंग होता है ऐसे, ये आपको जेड अपने मन से मान लेते हैं, और यहाँ जो क्रॉसिंग होता है उसके बाद जो है मिलने के बाद वे वाई तथा एक्स पर क्रमशः 4 घंटा 48 मिनट, मीनिंग वाई पर 4 घंटा 48 मिनट के बाद पहुँचती है इस प्लेस से यहाँ तक आने में, और यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 घंटा 20 मिनट का समय, 3 आवर्स 20 मिनट्स, ऐसे ये आपको दिया है। अब आपसे क्वेश्चन बढ़ा कि बताइए रेलगाड़ी बी की चाल कितनी है, यदि ए की चाल 45 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड दे दिया है। तो देखिए इसके डिटेल्स में जाने से बेटर होगा, चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स भी देखेंगे, लेकिन डिटेल्स में जाने से ऑलवेज बेटर होगा इस प्रकार के प्रश्नों के लिए। आप इसका ट्रिकी अप्रोच याद रखेंगे जो अभी आपको हम देने जा रहे हैं, ठीक है? तो ट्रिकी अप्रोच से ही इसको डील कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। और पहले बेसिक से देख सकते हैं इक्वेशन क्या बनता है। देखिए बोले यहां से ये चली और यहां से ये चली एक ही समय पर, और ये क्रॉसिंग हो रहा है, क्रॉसिंग के बाद यहां से यहां तक जो है ना ये पहली ट्रेन को जाना है, तो ये समय लग रहा है। तो बोले आज 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 4 घंटा 48 मिनट लगा है, इसको आवर्स में बदल दिए, तो ये दूरी निकल गया, ठीक है, यहां से यहां तक का, और इसी दूरी को इसको तय करने में क्या समय लगा होगा, जिसका चाल हम वाई मानते हैं ऐसे, तो बट्टा में यहां पर वाई लिखेंगे। अब इस यहां से यहां आने में इसको ये समय लग रहा है, उसी प्रकार बोले वाई किलोमीटर पर आवर से यहां तक आने में 3 घंटा 20 मिनट, ठीक है, तो वाई इंटू में 3 घंटा 20 मिनट, यह ऐसा हो गया और ऐसा, और इसी दूरी को तय करने में इसको क्या समय लगा होगा, तो बट्टा में यहां पर 45 और इसी को बराबर करेंगे क्योंकि दोनों समय इक्वल होगा, और इससे y का मान निकल जाएगा जो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लेकिन आप नोट जरूर कर लीजिए, हम टाइम दे रहे हैं, 45 किलोमीटर बराबर से इतना घंटा लगा यहां से यहां जाने में, तो आपका जेड से वाई का दूरी ये निकला, और जेड से वाई में आपको इसको आने में क्या समय लगेगा, तो ये उसके चाल से भाग लगा दिए, और फिर यहां फिल करिए वाई के स्पीड से यहां से यहां तक जाने में 3 घंटा 20 मिनट, तो वाई इंटू चाल गुना समय से ये दूरी निकला, और इस दूरी को आने में इसको क्या समय लगा होगा, तो वाई उसकी चाल, ये इक्वेशन बन चुका दोनों समय बराबर का, और इससे सॉल्व करेंगे वाई का मान निकलेगा। लेकिन देखिए ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए सीधा एक फॉर्मूला है जो हम बोलते हैं, उस पर सीधा ये डिजिट बैठा देंगे, आप याद कर लीजिए, लिख भी लीजिएगा लैंग्वेज में, तो सूत्र के अनुसार है ना, आप यहां पर बैठा, सूत्र क्या है उसको पहले पढ़ लीजिए, कि जब दो स्टेशन एक्स तथा वाई से एक ही समय पर दो ट्रेन ए और बी एक दूसरे की ओर चले और मिलने के बाद अपने शेष दूरी को तय करने में क्रमशः अलग अलग समय लगता है, तो उस कंडीशन में क्या है, पहले ट्रेन की चाल बट्टा दूसरे ट्रेन की चाल बराबर दूसरे ट्रेन का लगा समय और बट्टा में पहले ट्रेन का लगा समय अंडर रूट। क्या फॉर्मूला है, पहले ट्रेन की चाल आप शब्द में लिख लेंगे, पहले ट्रेन की चाल बट्टा दूसरे ट्रेन की चाल बराबर अंडर रूट दूसरे ट्रेन का लगा समय बट्टा पहले ट्रेन का लगा समय। बोले पहले ट्रेन की चाल 45 है, ये वाई है, अंडर रूट T2 ये वाला जो 3 घंटा 20 मिनट है, बाय में T1 4 घंटा 48 मिनट, इसको हम सॉल्व करके भी दिखाते हैं ऐसे, तो यहां से क्या हो जाएगा 45 बाय वाई, अब ये 20 या 60 होगा तो आपका 10/3 होगा, और यहां से 12, 4 और 5 तो 24/5 जो 5/24 होगा, और इसी को सॉल्व करते हैं तो यहां पर 45 बट्टा में वाई बराबर में यहां काटिए क्या हो रहा है 2 से 5 बार में 2 से 12 बार में, तो ये 5/6 हो गया, और इसी से y का मान निकालते हैं तो 54 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन बार बार नहीं पूछेगा, मिलेंगे आप एग्जामिनेशन देंगे तो जल्दी ये नहीं फेस करना नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी भी फेस करना पड़ेगा तो नॉर्मली यही आपका क्वेश्चन सेम दे देता है, इसलिए बिल्कुल ईजी है, और आप इसमें बेसिक मैथड से भी बनाकर देखें, लेकिन बेसिक से नहीं बनाइएगा, आप ट्रिकी अप्रोच से बनाएंगे, और ट्रिकी अप्रोच से बनाने का तरीका यही है कि ऐसे कंडीशन में जब दो स्टेशन है ना, दो स्टेशन एक्स तथा वाई से एक ही समय पर दो ट्रेन ए और बी एक दूसरे की ओर चले, तो कहीं पर क्रॉसिंग होगा, क्रॉसिंग के बाद इसको और आगे बढ़ना है, इसको और आगे बढ़ना है, तो उसमें जो समय आपको लगता है वो दिया रहेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होता है वो याद कर लीजिए, पहले ट्रेन की चाल बट्टा दूसरे ट्रेन की चाल बराबर अंडर रूट दूसरे ट्रेन का समय बट्टा पहले ट्रेन का समय, बस इसी पर बैठा दीजिए उत्तर आ जाएगा। तो हम लोग ट्रेन का क्लास 2 भी पढ़ चुके और क्वेश्चन नंबर 27 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, और ये 27 क्वेश्चन को 27 नहीं मानना है, ये लाखों क्वेश्चन
के रूप में आप रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका अंक बदलेगा, संख्या बदलेगा, लैंग्वेज बदलेगा, बोलने का तरीका बदल देगा, लेकिन कंसेप्ट जितना आपको बता दिया गया इतना ही लगेगा। इसके अलावा अब कोई कंसेप्ट इसमें नहीं होता है, होता ही नहीं है, बस ये मान लीजिए कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं है। इसीलिए इतने ही कंसेप्ट को पकड़िए कि 27 क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया, ठीक है, क्या कंसेप्ट है। जैसे दो ट्रेन एक दूसरे को किसी भी दिशा में पार करे, लंबाई जोड़ा जाएगा। जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन में बैठे आदमी को पार करे, तो फिर दूसरी ट्रेन की लंबाई को नहीं जोड़ना, क्योंकि वहां पर शब्द बदल दिया हुआ। जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करे, खंभे को पार करे, तो अपनी लंबाई को केवल पार करेगी। जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करे, पुल को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, दूसरे ट्रेन को पार करे, तो अपनी लंबाई के साथ उसकी भी लंबाई को पार करेगी। रिलेटिव स्पीड दिशा पर निर्भर करेगा, समान दिशा में माइनस, विपरीत दिशा में प्लस करना पड़ेगा। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/10 से गुणा, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर से बदलने के लिए 18/5 से गुणा। रिलेटिव स्पीड आपका दो विपरीत दिशा होने पर चाल को जोड़ करके प्राप्त होगा, और सेम दिशा होने पर चाल को माइनस करके प्राप्त होगा। बस यही तो पूरे चैप्टर का कंसेप्ट है, और इसी से आप बिल्कुल इजीली इसको डील कर पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।